निबंध लेखन एक बहुत ही आसान टॉपिक है जो हिंदी के एग्जाम में सभी सिलेबस में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, कहीं पे भी हमेशा एग्जाम्स में ज़रूर आता है और जनरली ये 10 मार्क्स का आता है। तो निबंध लेखन एक बहुत ही आसान विषय है जिसको आप लिखकर आसानी से 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और कुछ इसके नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, आपका स्कोर आराम से आ जाता है। तो आइए उन नियम को देखते हैं और उसके अलावा इस वीडियो में एक निबंध भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो जनरली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो इस बार के सीबीएसई के लिए हो या फिर कभी भी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं निबंध होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं निबंध होता क्या है। तो निबंध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध, दो शब्दों से मिलकर बना है नी प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, यानी कि एक निबंध क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन एक ऐसी रचना जो दो जो कई प्रकार से कई नियमों से बंधी हुई हो, कई अलग अलग नियमों से बंधी हो एक साथ, यानी उन नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो उसे आप निबंध नहीं कह सकते। अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, या इसी को अगर एक लाइन में परिभाषा देना चाहे तो ऐसे बोलेंगे निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस वाइज, ओके, एक के बाद एक, यानी कि ऐसा नहीं कि विचारों का प्रवाह जो हो रहा है, विचार का जो फ्लो हो रहा है, आपके जो थॉट्स जो लिख रहे हो आप, वो ऐसा नहीं कि पहले कुछ और लिख रहे हो फिर बाद में कुछ और, जबकि एक सीरीज वाइज होनी चाहिए। अगर पहले मान लो कोई भी आप टॉपिक उठाते हो और किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, तो पहले वो टॉपिक क्या है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे या फिर उसके सॉल्यूशंस क्या है, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि पहले ही प्रभाव बता रहे हो उसके बाद कारण बाद में बता रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। निबंध के विषय क्या क्या होते हैं, तो देखो निबंध आजकल आज के टाइम में बहुत अलग अलग विषय पर लिखा जा सकता है, हर चीज़ पे। जैसे निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, आज जनरली क्या होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 जो हैं। संसार का हर वस्तु हर व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है, यानी हर चीज़ के बारे में एक निबंध लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी हम निबंध लिख सकते हैं। जैसे मेरा प्रिय मित्र लिखते हैं, मेरा प्रिय नेता लिखते हैं, तो वो सब भी निबंध हो सकते हैं। अच्छा, निबंध लिखने के प्रमुख नियम क्या है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी। देखो निबंध लिखने के पूर्व विषय या पर विचार करें, सबसे पहले आपको निबंध एग्जाम में मिलता है और आप उसे जो भी आपके पास चॉइस होते हैं, दो तीन क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें कोई सा एक लिखना होता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो थोड़ा सा लगता है कि आता है, हाँ बस शुरू हो गया लिखना, नहीं, थोड़ा सा एक आध मिनट आप उस पर बिताओ, उस टॉपिक को देखो, उस टॉपिक के बारे में सोचो, सबसे पहले विचार करो कि भाई मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसमें मुझे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। हो सके तो साइड में रफ में पेंसिल से आप एक बार छोटा सा प्लॉट कर लो, छोटा सा यानी आउटलाइंस, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो कि मुझे ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये कुछ कुछ की पॉइंट्स। एक आध मिनट लगेगा, एक बार आपने थोड़ा सा लिख लिया उसे पेंसिल से, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो आराम से, और उसके बाद आराम से उसे एक सीक्वेंस वाइज सही तरीके से बहुत अच्छा निबंध आपका रेडी हो जाएगा और 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप शुरू में लिखना शुरू कर देते हो, जो जो याद आता रहता है वो लिखते रहते हो, बस लिखते रहते हो, और यहाँ मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो सबसे पहले तो इसको सोचो, उसमें निबंध को शीर्षक यानी पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए, शीर्षकों को भी उप शीर्षक में बांटना चाहिए, उसके भी पार्ट्स। लेकिन सीबीएसई एग्जाम्स में, सीबीएसई की बात करूँ, तो उप शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी नया वर्तमान में जो करंट में जो फॉर्मेट चल रहा है, उसमें शीर्षक हेडिंग्स बनाओ और हेडिंग्स के बारे में लिख जाओ, उसके भी सब पार्ट्स लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। और ज़्यादा कुछ ना हो तो 3 पार्ट्स में तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, आरंभ यानी प्रारंभिक पार्ट, मध्य में क्या लिखना है आपको, और उपसंहार में क्या लिखना है, ये 3 चीज़ें जरूर आपको डिवाइड कर लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से निबंध के 3 अंग हो गए, यानी कि पार्ट ऑफ द एसे, कौन सा, परिचय या प्रस्तावना सबसे पहले, उसके बाद मध्य भाग और उपसंहार। देखो परिचय या प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है, किसी भी निबंध का की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, यानी जो आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है कि आप इसमें क्या बताओगे, ताकि जो पाठक होगा, जो पढ़ने वाला होगा, उसको वो पहले ही से ही अट्रैक्ट हो जाए, उसको समझने में आसानी मिले कि हमें क्या पढ़ने वाला हो पूरा। जैसे हम लेटर लिखते हैं पत्र, तो पत्र में विषय लिखते हैं, एक लाइन में सब कुछ पता चल जाता है कि इस पूरे लेटर में क्या लिखा है। उसी तरीके से प्रस्तावना 4-5 लाइनों में, मैक्सिमम ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, 4-5 लाइनों में 40 से 50 वर्ड लगभग लिख सकते हो आप, और उसमें ये बता सकते हो कि मेन है क्या ये। अभी एक डिस्कस भी करेंगे ऐसे कि क्या लिखना है आपको। मध्य भाग क्या होता है, जिसे मध्य भाग को हम बॉडी ऑफ द ऐसे बोलते हैं, यानी निबंध का शरीर या मुख्य भाग होता है, इसको में विस्तृत वर्णन होता है, और इसीलिए इसमें ये सबसे बड़ा भाग होता है ऐसे का, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन जब तक स्टार्ट अच्छा नहीं होगा तब तक मार्क्स कैसे मिलेंगे, एक तो एक स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं प्रस्तावना पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, वो अच्छा हो गया ना तो टीचर थोड़ा सा एग्जाम में आगे कम पढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रस्तावना अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही होगा। उस लाइन सुनी ना, वेल बिगिन हाफ डन, बस
उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, ये अंतिम अनुच्छेद होता है, अंतिम पैराग्राफ, जिसमें क्या होता है पूरे लेख का संक्षिप्त सार दिया जाता है, यानी पूरा जो आपने लिखा उसका ओवरऑल कंक्लूजन, जो कंक्लूड करते हैं हम उसे समाप्त करते हैं, तो किस तरीके से एक अच्छे शॉर्ट में क्या समाप्त करना है हमें, किस तरीके से कंक्लूजन में जब हम लिखते हैं तो कंक्लूजन में सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखा होता, थोड़ा बहुत अपने विचार भी हम लिख सकते हैं उसमें कि पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा वो कंक्लूजन भी नहीं लिखना होता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा था, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि निबंध लेखन से पूर्व हमें उसे विचार करना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा, कोई बहुत बड़े वर्ड, बहुत टेढ़े मेढ़े वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जो खुद भी समझ में ना आते हो ज़बरदस्ती रट्टा मार के, ऐसा नहीं है, सिंपल भाषा में लैंग्वेज में लिखो, बट कुछ शब्दों का ध्यान रखो कि ऐसे वर्ड ना लिख दो जो एग्जाम में ठीक ना हो। उसके बाद विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखो, यानी कि फ्लो एक चलना चाहिए लगातार, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, कहीं कहीं बात नहीं जा रही हो। और सबसे मेन फोर्थ पॉइंट, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उसी लाइन को ऊपर भी लिखा, उसी टाइप की लाइन को एक आध वर्ड चेंज करके नीचे फिर दोबारा लिखते, फिर तीसरी बार लिखते, इन चीज़ों को नहीं करना, टीचर को चेकर को बहुत गुस्सा आता है। भाषा संबंधित त्रुटियाँ दूर करनी चाहिए आपको, यानी भाषा सही होनी चाहिए, वहाँ पर अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करो, हिंदी में ध्यान रखना, और शब्दों को और उस पर मात्राएँ लाइन जो भी ऊपर लगानी है वो सब अच्छे से लिखना है आपको, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लेख को, लेख जो आप लिख रहे हो, आर्टिकल जो भी ऐसे लिख रहे हो, उसकी रोचकता को बढ़ाने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कवि, लेखक, महापुरुष या अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति की जो है ना, उनके जो कथन है उनको शामिल कर सकते हो आप, उनकी लाइनों को, जो पर्टिकुलर जैसे दो दो लाइन के दोहे टाइप में, श्लोक टाइप में जो लिखे होते हैं, उन लाइन्स का यूज कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप, मैं बताऊँ, एक से दो अगर आपने यूज कर लिए ना, एक से दो पर्टिकुलर किसी भी एक ऐसे में, 10 नंबर के ऐसे में एक या दो आपने इस तरीके से कथन लिख दिए स्टार्टिंग में या बीच में कहीं एडजस्ट, बस वो एडजस्टमेंट सही होना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना है, तो उसके बाद आप देखो आपके 1 से 2 मार्क्स तो 10 में से इसी पे मिल जाएंगे आपको। और समय बचे तो एक बार दोबारा उसे स्टडी करना, दोबारा उसे मतलब रीड करना, स्टडी नहीं, रीड करना, जो भी ऐसे होगा आपको उसे लिखने के बाद एक बार रीड करना, ताकि थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो तो उसे सुधार कर लेना। और बाकी सबसे बेस्ट सजेशन है ऐसे लिखने के लिए क्या, किसी भी लेख की रचना करने से पूर्व संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक आप कंटेंट पढ़ोगे नहीं तब तक आप एग्जाम में कहाँ से लिख पाओगे, इसलिए कंटेंट पढ़ना जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आपको या आपको बताए गए हैं या ये जो मैं बता रहा हूँ, इनके कंटेंट्स आप पहले से पढ़ के एग्जाम में तब जाना, ओके, उसके बाद आप अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि जब कुछ आइडिया होगा तभी तो लिख पाओगे ना। पहली बार डायरेक्ट हमसे कोई काम इतने अच्छे से नहीं होता जितना हम उसके बारे में थोड़ा जानकर हम अच्छे से कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, 3 चीज़ें रखनी है कि पॉइंट वाइज या शीर्षक में लिखना है, शीर्षकों को यानी जो शीर्षक होंगे सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स उनको आप अंडरलाइन करना ना भूलिए, अंडरलाइन बिल्कुल कर दीजिए, अच्छा लगेगा, हालांकि ना करें तो भी चल जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग कर देना अच्छा लगेगा, ओके। CBSE भी ऐसे चाहता है तो थोड़ा सा अंडरलाइन, अब अंडरलाइन आप पेन से भी कर सकते हो, ब्लू पेन से कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, स्केल से सीधी लाइन खींच देना। और शब्द सीमा में लिखिए, यानी कि वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी, वर्ड लिमिट गिवन होती है जनरली एग्जाम में, CBSE के लेटेस्ट फॉर्मेट की बात करूँ तो 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है, जो मैंने पेपर देखा अभी 2018 का भी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पेपर पे, तो आप अपने पेपर में देखना, वहाँ 200 बोला हुआ है, 250 बोला हुआ है, 300 बोला हुआ है, जितना भी बोला हुआ उसके अकॉर्डिंग लिखना है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कितने वर्ड में लिखना है। और 10 मार्क्स का है तो जनरली मैं बताऊँ आपको 250 से 250 से 300 वर्ड्स तक लिख देना, और अगर पर्टिकुलर वर्ड लिमिट गिवन है शब्द सीमा तो आप उसमें लिखना, जैसे 200 से 250 है तो आप ये टारगेट रखो 230-240 इतना वर्ड लिख दो, काफ़ी है, 250 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, दूसरे क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे पाओगे और चेकर का भी टाइम बचेगा। अब CBSE में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका तरीका क्या है आजकल, इससे थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो बीच में हमें पार्ट से बांटना है शीर्षक उपशीर्षक, वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, CBSE सब कुछ खुद करके देता है। जैसे एक ये इस साल के सैम्पल पेपर में दिया हुआ है आपदा प्रबंधन, तो इसके बारे में CBSE ने किस तरीके से पूछता है कि आपको ये कुछ हिंट्स क्लूज दिए होंगे, जैसे प्रस्तावना लिखना है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है वो बताना है, दोषी कौन है इस प्राकृतिक आपदाओं का, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, नागरिकों के कर्तव्य क्या है, उपाय, उपसंहार लास्ट में ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना के दिए, इसी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इसी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है, बस पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाओगे और ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। या फिर एक और टॉपिक देख लेते हैं, सौर ऊर्जा, इस पर भी इसी तरीके से दिया प्रस्तावना, सौर ऊर्जा से तात्पर्य, सौर ऊर्जा का उत्पादन, लाभ, उपसंहार, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे आप एग्जाम में हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पॉइंट्स गिवन होंगे, तो नहीं गिवन होंगे तो पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले टाइटल होगा आपका, यानी जो भी ऊपर सबसे पहले तो हेडिंग लिख दोगे ऊपर, जो भी जिस विषय पे लिख रहे हो सबसे ऊपर पहले लिखना है, ध्यान रखना, उसके बाद प्रस्तावना, फिर उसके बारे में, ओके।
उसके बाद जैसे एक टॉपिक पे बात करते हैं प्रदूषण, सबसे आसान टॉपिक लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ऐसा नहीं है कि, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं बता दूँ तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिल्ली पॉल्यूशन या ऐसे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर एरिया में, और अभी पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी इससे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका ध्यान रखना। तो प्रदूषण के बारे में सबसे ऊपर आपको इस तरीके से हेडिंग लिख देना है, और इसके बारे में अगर जैसे मान लो आप दहेज प्रथा पे होता है या किसी और प्रॉब्लम पर, जहाँ पे आप पता है आपको कि यहाँ पे कुछ अच्छी सी लाइंस लिख सकते हो आप स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बिल्कुल। तो अगर जैसे दहेज प्रथा पे होता है उस पर आपको लाइन अगर याद है तो आप क्या लिखो, दहेज प्रथा यहाँ पे हेडिंग डाल के उसके बाद नीचे पहले दो लाइन लिखोगे उसके जो श्लोक है, जैसे जलती बहू एक करे पुकार बंद करो ये अत्याचार, या फिर दहेज से करे परहेज, तो ऐसी लाइंस कुछ लिख के आप कर सकते हो स्टार्ट, और उसके बाद जब ऐसी पंक्ति लिख दोगे उसके बाद फिर स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा आपका ऐसे बनने वाला है, क्योंकि स्टार्ट में अच्छा अगर हो गया ना तो मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या, जैसे आप प्रदूषण के बारे में लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, भूमि जल वायु आकाश नदी पर्वत, यही सब मिलकर बनाते हैं क्या, पर्यावरण, इन्हीं के बीच मनुष्य आदिकाल से रहता चला आ रहा है, पर्यावरण मनुष्य को प्रकृति का अमूल्य वरदान है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति की मंद में मत मानव ने प्रकृति को अपनी दासी बनाने के अभियान में अपार हानि पहुंचाई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा, इसे आसान लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इसे थोड़ा और अच्छे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अलग कंटेंट भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप जितना इसके बारे में पढ़ोगे उतने आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे। प्रदूषण क्या है उसके बारे में बताओगे, फिर प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, प्रदूषण क्या है, तो दैट मीन्स उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप बना सकते हो तो डेफिनेशन टाइप में बनाना। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो जल प्रदूषण वायु प्रदूषण जो भी है वो सारी चीज़ें आप लिखोगे, ओके, एक एक करके लिखते चले जाओगे इस तरीके से, और फिर आसान से, मतलब ये एक मैंने आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण हो गया, खाद्य प्रदूषण जितने भी टाइप्स होते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपको जो भी आइडिया, ध्वनि प्रदूषण, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना आपको, दो दो लाइन तीन तीन लाइन इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, मेन मेन पॉइंट्स लिखने आपको, इसलिए मैंने पहले कहा ना आप लिखने से पहले एक दो मिनट सोच लेना इस पे। फिर प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, तो उपाय में आप बताओगे क्या क्या करना चाहिए, कि जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं जो भी है तो उनको, मतलब कि जो मुख्य कॉलोनी है, बस्तियाँ हैं जो भी है, गांव है, उनसे दूर स्थापित करना चाहिए या स्थानांतरित कर देना चाहिए, तो ये चीज़ आप बताओगे प्रदूषण रोकने के उपाय में। उसके बाद उपसंहार में बस थोड़ा सा कंक्लूजन, जैसे देखो यदि प्रदूषण पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आदमी अशुद्ध जल वायु भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा। यहाँ अशुद्ध मत लिखना, यहाँ शुद्ध लिखना, सॉरी ये टाइपिंग में एरर होगा, ओके, यहाँ पे शुद्ध लिखना, ओके, इसे थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग एरर, तो शुद्ध जल वायु भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा, प्रशासन और जनता दोनों के गंभीर प्रयासों से ही प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। तो आप इस तरीके से बताओगे थोड़े से कंक्लूजन, पर्टिकुलर किसी ऐसे में किसी एक पे आरोप नहीं लगाओगे कि सरकार ही जिम्मेवार है, लोग जिम्मेवार नहीं है, लोग भी होते उतने जिम्मेवार, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसे कंक्लूड करना है। और उसके बाद आप कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ये समय का सदुपयोग, ये लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम में, 2018 में भी ये आया था। आतंकवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि करंट में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। भारत में भ्रष्टाचार, यदि मैं प्रधानमंत्री होता या यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं। त्यौहारों का जीवन में महत्व, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और त्यौहारों से रिलेटेड कोई भी मेरा प्रिय त्यौहार या त्यौहारों का जीवन में महत्व, या थोड़ा सा इसी टॉपिक को चेंज कर देंगे, लिखने का तरीका लिखा है तो वही जाएगा लेकिन टाइटल जो होगा वो टाइटल चेंज करके यानी टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर घुमा के दे देंगे, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो ताकि, इसलिए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना वहाँ पे। विज्ञान के लाभ हानियाँ या विज्ञान के चमत्कार, इसी तरीके से विज्ञान का या टीवी का टेलीविजन का पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया का पूछा जा सकता है आपसे, तो इन टॉपिक को आप सोशल मीडिया पे तो आप आसानी से लिख सकते हो, इंटरनेट का पूछा जा सकता है, तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक लेटेस्ट टॉपिक में, कल का भारत या 21वीं सदी का भारत, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 2020 में भारत कहाँ होगा, 2050 में भारत की स्थिति क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद भारत में किसानों की स्थिति, अगर हॉट टॉपिक में करंट में तो ये सिचुएशन है कि इसको पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में चाहे तो, हालांकि 10th लेवल पे पूछना थोड़ा सा चांस कम है, बट 10th लेवल के बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पूछा जा सकता है। ये लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, तो क्यों इलेक्शन का टाइम है तो पढ़ के जाना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाल मजदूरी की समस्या, ये भी एक काफ़ी हॉट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। दहेज एक अभिशाप और भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा, अब स्त्रियों की दशा या फिर स्त्रियों से रिलेटेड एक टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लेना कि समाज में स्त्रियों की दशा क्या है या भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका क्या है,
तो ये टॉपिक सब नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा एक टॉपिक आप और पढ़ सकते हो जैसे राष्ट्रीय एकता या मेरा देश महान, तो अपने देश के बारे में थोड़ा सा, ओके, अनेकता में एकता, ऐसे टॉपिक्स को करके जाने। साहित्य के रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड भी ऐसे आते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम होती तो उसे नहीं अगर पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट देखो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे ऐसे के, तीन में से कोई एक करना होगा, एक टॉपिक करना होगा, तो तीन में से एटलीस्ट दो तो बाकी के लिए तो आप रेडी रहो, ओके, अगर एक को आप इग्नोर भी करते हो तो इस तरीके से, अदरवाइज उन्हें भी कर सकते हो आप। उसमें कभी पूछ लिया करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अब इस पर लिखना है, तो यानी कि उसमें आपको बताना पड़ेगा ना अभ्यास करते करते किस तरीके से, यानी परिश्रम का महत्व एक तरह से एक्चुअली में बताना है, तो ऐसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद के बारे में पूछ लिया, या एक दो टॉपिक और भी दिए जा सकते हैं, इस तरीके से टॉपिक्स हैं, आप देखोगे तो बुक्स में आपको कई सारे मिल जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर नेट की इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो जहाँ पर इसका कंटेंट मिल जाए, और इसको पढ़ो, इसको रेडी करो, तैयार करो, इन टॉपिक्स को आप जरूर अच्छे से कर लेना। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो, अभी जितनी चीज़ें मैंने बताई इन चीज़ों को फॉलो करना, ओके, और ज़्यादा कुछ भी मत करना, आराम से इससे करो, एग्ज़ाम आपको बहुत बढ़िया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।